ये सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस बयान ने विपक्ष को मोदी सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका दे दिया कि वादे पूरे नहीं करने पर जनता नेताओं की पिटाई करती है। गडकरी ने ये बयान अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर को बीजेपी में शामिल करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। कि सपने दिखाने वाले लोग नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते। गडकरी के इस बयान पर सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी के निशाने पर कौन है। सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मतदाताओं को बड़े बड़े सपने तो दिखाए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। जाहिर है विपक्ष गडकरी के ताज़ा बयान को अपने इसी आरोप की पुष्टि करने वाला मान रहा है। गडकरी साहब का जो बयान है उसके तो बहुवर्थी बयान है, कमाली बयान उन्होंने दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब गडकरी के बयान को इशारों इशारों में अपनी ही पार्टी और सरकार पर निशाना साधने वाला माना जा रहा है। इससे पहले दिसंबर में गडकरी ने 3 राज्यों में बीजेपी की चुनावी हार के बाद कहा था कि सफलता का श्रेय लेने वाले नेतृत्व को हार और नाकामी की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। विपक्ष गडकरी के ताज़ा बयान को भी उनके पिछले बयानों के सिलसिले से जोड़कर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। नितिन गडकरी जी ने इशारा कर दिया, सपने किसने दिखाया थे? 15 लाख, काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, हवा हवाई बातें थी। तो उन्होंने साफ कह दिया, इसमें तो रॉकेट साइंस ही नहीं चाहिए कि नितिन गडकरी जी किसके लिए कह रहे हैं। पीएम मोदी गांधी नेहरू परिवार पर लगातार सियासी हमले करते हैं लेकिन उनसे उलट गडकरी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर चुके हैं, इंदिरा गांधी को महिला सशक्तिकरण का आदर्श बता चुके हैं। जाहिर है कि गडकरी के इन बयानों को उनके मोदी से अलग सियासी रुझान का सबूत माना जा रहा है। गडकरी के ऐसे हर बयान के बाद उसकी अपने तरीके से व्यवस्था करते हुए पीएम मोदी का बचाव करना बीजेपी प्रवक्ताओं की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। नितिन गडकरी जी ने कांग्रेस को विपक्षियों को आईना दिखाया है कि सीखो नरेंद्र मोदी जी से, जो हम कहते हैं वो करते हैं और जो कहा है वो किया है। हालांकि गडकरी के बयान पर जब तक बीजेपी की सफाई सामने आए विपक्ष मौका देखकर चौका लगाने का काम कर चुका होता है। लोकसभा चुनाव से चंद हफ्ते पहले गडकरी के इन बयानों का एक अर्थ ये भी लगाया जाता है कि बीजेपी का एक बड़ा तबका उन वादों को लेकर फिक्रमंद है जो 2014 में मतदाताओं से किए तो गए थे लेकिन पूरे नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।